डिप्लॉयमेंट है। अब इस दौर में मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारे डिप्लॉयमेंट कैसे होते हैं। अब बाहर दिखने वाला हमेशा मक्का मस्जिद पे 10 मेल ऑफिसर्स 5 फीमेल ऑफिसर्स रहते हैं। वो कुछ लोग यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, कुछ लोग बिना यूनिफॉर्म के अंदर भी रहते हैं। ये कि कोई भी बंदा कोई भी आके कोई किसी किस्म के बदमाशी करने का कोशिश करें उनको तुरंत पकड़ने के लिए हमारा डिप्लॉयमेंट है। तो जब वैसे अंदर जाके बैठे तुरंत रिकग्नाइज किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको बाहर लेके गए और पुलिस स्टेशन पे लेके गए, उस पर पूछताछ की गई, उसका क्या इरादा है हम लोग पूरा चेक किया और उनके ऊपर जो हरकतें किया उनके पास जो इंटेंशनल अनइंटेंशनल दूसरी चीज़ है, बट एक कम्युनिटी का इमोशंस को हर्ट हुआ तो उसके हिसाब से जो जिस जहाँ जैसे कि यह मस्जिद है, मस्जिद का बिहेव करने का तरीका होता है, उसको बंदे को पता नहीं है तो उसने गलत तरीके से बिहेव किया तो उसके ऊपर हम पब्लिक न्यूसेंस पे कोई केस डालें। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी सीसी कैमरा से सारी हम फंक्शनल है या नहीं हम वो भी पहले से हम चेक करते रहें और रमज़ान के तौर में और ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी लिया उसके ऊपर कि सीसी कैमरा सारी कंटिन्यूसली मॉनिटर भी किया कर रहे हैं। सर कि अब मुसलमान जो मुसल्ली है उनको कितना भरोसा दिलाएंगे सर मक्का मस्जिद की सुरक्षा को लेकर? मक्का मस्जिद 100% सेफ है, उसका सुरक्षा हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एंड स्पेशली रमज़ान का टाइम पे आपको पता है कि 5 नमाजों के अलावा तरावी और तहज्जुद का नमाज होते हैं, उसके लिए भी बंदोबस्त की गई। और साथ साथ आप देख सकते हो बाहर नाइट बाज़ार है जो पूरा पूरा तेलंगाना पे मशहूर है, उसके लिए लोग अलग अलग मज़हब से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट है इंडिया वाइड पे चीपेस्ट मार्केट, तो उन लोग के लिए भी हम लोग अरेंजमेंट किया। और यहाँ पे जब एंट्रेंस करते हो तो आप जैसे अभी मैं आया हूँ सडनली किसी को बताया नहीं मैंने सडनली आया हूँ तो चेक करने के लिए भाई सभी लोग जागरूक है या अटेंटिव है कैसे कर रहे हैं। तो अभी 3:30 बजे अब आ रहे तो आप देख सकते हो गेट पे कैसे बंदोबस्त है, उसके बाद DFMD है, उसके बाद जो भी बैग्स आ रहे हैं उनको भी चेक कर रहे हैं ताकि जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और बाहर अभी फिर आज की डेट में अभी के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ बाहर जो बाहर और अंदर मिल के 2 प्लाटून TSSP भी डिप्लॉयड है, 1 फीमेल प्लाटून भी डिप्लॉयड है क्योंकि तो बहुत सारी लेडीज़ आते हैं यहाँ पे, और एक QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम भी डिप्लॉयड है क्योंकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट है उन लोग को तुरंत हम एक्शन लेने के लिए सब अरेंजमेंट कर रखा है। थैंक यू सर। थैंक यू इमरान साहब की तरफ से जो बोला जा रहा है कि पुलिस की जो है ताइना बनाने का बहुत ही जो है जंगले की रात के दिन जो है हर मुस्लिम को जो है अंदर वही चीज़ आपको बता रहे हैं ना कि ये आर्कियोलॉजिकल ASI के अंडर ये स्ट्रक्चर है और इसमें सभी लोग आते देखते कि कितना आर्किटेक्चर कैसे जो कुतुबशाही का दौर का आर्किटेक्चर है, निज़ाम के दौर पर आर्किटेक्चर है, कैसे इवॉल्व है, सभी लोग आके देखने के लिए आते। उस दिन जिस दिन हुआ था ये वो जगने के रात के दिन था, वो हम लोग चेक भी किया था, वो तरावी नमाज स्टार्ट होने के पहले आए थे, देख रहा था पूरा एरिया देख रहा था, वो उत्सुक थे, वो इंटरेस्टेड कैसे नमाज हो रहे उसके लिए जाके अंदर बैठे थे। बट जब नमाज हो रही थी वो अंदर जाके पहले रो पे बैठना उनको प्रॉब्ली उनको पता नहीं है या इंटेंशन नहीं किया, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो उनके ऊपर पब्लिक न्यूसेंस का केस भी डाला है और पूरी तरह से उनको इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सर आप ये सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैला रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो कुछ लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ गलत इंटेंशन के साथ अफवाह फैला रहे हैं। हमारा हैदराबाद और हमारा मक्का मस्जिद 100% सेफ है, कोई भी किसी किस्म की बदमाशी या बैड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लोकल पुलिस टॉलरेट नहीं करेंगे या लोकल आवाम नहीं टॉलरेट करेंगे, उसके लिए हम सभी लोग गेयर्ड अप पे, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी गेयर्ड अप पे, आप देख सकते हो सारी कैमराज भी अवेलेबल है। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था परसों उसके लिए भी तुरंत हम लोग एक्ट किया, विद इन सेकेंड्स उनको पकड़ के आइडेंटिफाई किया, पकड़ के लेके आ गया एंड उनके ऊपर कार्रवाई भी किया। थैंक यू।